हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री की पाठशाला। तो फ्री की पाठशाला आपको करवा रही है बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में जैसे कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमने दो एक्सरसाइजेस कर ली थी, कंपाउंड इंटरेस्ट की एंड डेप्रिसिएशन की। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ ऐड हो रहा था और डेप्रिसिएशन में कुछ माइनस हो रहा था, ठीक है ना। उसके फॉर्मूलाज, उसकी प्रॉब्लम्स हमने कुछ डिस्कस की। और इसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टॉपिक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज हम करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, इफेक्टिव का मतलब यहाँ पे के टोटल इनकम्प्लीट, ठीक है ना, कि इनकम्प्लीट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, हमारे पास ऐसे करके देते हैं ना कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% या फिर 10% या फिर 15%, ऐसे करके हमें रेट दे देती हैं। तो वो रेट जो होता है वो हमारे पास नॉमिनल रेट होता है। वो क्या होता है? नॉमिनल रेट, ठीक है। तो ये नॉमिनल रेट कितने टाइम पीरियड के लिए है वो दे देते हैं। एन हमारे पास या तो 2 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल, ऐसे करके हमारे पास दे देती हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास देते हैं या तो एनुअली है या फिर मंथली है या फिर क्वार्टरली है या फिर हमारे पास हाफ ईयरली, ठीक है। तो ऐसे करके चीज दे देते हैं। तो हम इस डाटा को यूज करके अपना सम सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है, हमने सम नहीं सॉल्व करना, हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि यहां पर रेट 5% का है, बट एक्चुअल में यहां पे 5% का नहीं है, क्योंकि वो 5% पहले साल में अगर जुड़ा तो उसके ऊपर फिर 5% लगेगा, वो फिर जुड़ा तो उसके ऊपर फिर 5% लगेगा, तो इससे उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर हमारे पास देखो, जैसे मैंने बोरो किया 10,000, 10,000 में मैं सबसे पहले 5% लगाता हूँ, ठीक है। तो 5% लगाने के बाद मेरे पास कितना आया यहाँ पे, 500। तो सेकेंड बार जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना होता है तो मैं इसको इसमें ऐड करके फिर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता हूं। अब मैं फिर 5% यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। तो 5% ये तो है ही। अब जो 500 था ये क्या था, इंटरेस्ट था, ठीक है, ये इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लग रहा है, तो इस पे अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा बनेगा 25 का, ठीक है। ये 10,000 एक बार छोड़ दो, 500 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस हमारा जो एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5% मैंने इस 500 पे भी लगा दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेट कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीज्ड रेट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहां पर हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, जैसे हमने किया था के प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। तो यहां पर प्रिंसिपल कोई नहीं दिया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए है वो दिया है, आगे कंडीशन दिया है एनुअली है मंथली है क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है। तो हमने करना क्या है इसमें कि 1 + r/100 की पावर n वैसी रहेगा, p नहीं दिया तो p नहीं लिखेंगे और बाद में यहां पे -1 कर देंगे, ठीक है। यहां पे ये तो हो गया हमारा कि उस पे टोटल इंटरेस्ट कितना लगा है, ये तो हमारा वो हो गया। आगे 1 + है तो इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल ऐड हो गया, ठीक है। तो -1 इसीलिए किया कि प्रिंसिपल मैंने यहां पे माइनस कर दिया। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% है और हमें 4 ईयर्स के लिए दिया गया है, यहां पे है एनुअली, तो कैसे निकालोगे, तो इसमें सारा पुट कर दोगे। 1 + रेट हमारा 5%, एन कितना 4 साल के लिए, -1, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के बाद ये हो गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे कैलकुलेटर पे। तो यहां पर कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया 1.2155, ठीक है। तो माइनस कर दिया 1, तो यहां पर मैंने 4 डिजिट तक ले लिया, ठीक है, आप 4 डिजिट तक ले लेना। तो माइनस कर दिया 1, -1 करने पर
हमारे पास आप देख सकते हैं 1.2155 बन गया। तो इसमें जो पहले वाला वन है ना, ये प्रिंसिपल है, और ये फोर डिजिट जो हमारे पास दे रखी हैं, ये उसका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है ना, जो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के हमारे पास बन गया इतना, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसमें इसमें से माइनस वन कर दोगे तो इतना आ गया। तो इतना करने के बाद यहां पे करोगे इंटू 100, तो इंटू 100 करने से इसका क्या होगा, परसेंटेज बन जाएगा। तो यहां पर इंटू 100 मैंने किया, तो यहां पे बन गया इतना, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगने के बाद हमारा इतना परसेंट बन गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वैसे तो कितना बनना था, अगर मैं 5% के हिसाब से लगाऊं, 5% × 4 तो हमारा बनता था 20%, ठीक है। बट ये 1.55% ऊपर क्यों बना, ये इसीलिए बना क्योंकि इसमें इफेक्टिव रेट लगा, क्योंकि रेट के ऊपर रेट लगता गया और इतना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21.55% आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशन है वन, ठीक है। तो इसमें कहते हैं फाइंड द इफेक्टिव रेट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है, ठीक है ना। तो क्वार्टरली का मतलब कि एक साल में 4 बार हमारे पास वो पॉइंट होगा जिसपे रेट अप्लाई होगा, और फिर उस पर फर्दर रेट अप्लाई होगा, ठीक है ना। जैसे 6% मैंने अगर यहाँ पे एक सवाल ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एक क्वार्टर के बाद यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। फिर एडिशन होने के बाद फिर जैसे यहाँ पे अप्लाई होगा, फिर यहाँ पे, और फिर लास्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे करके 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ में सबसे पहले हमारे पास आएगा कि रेट कितना है, 6% का, ठीक है ना। तो रेट जो हमारे पास 6% दे रखा है, ये 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है ना, के हिसाब से हमें निकालना है, क्योंकि ये 6% हमारे पास पर एनम हो गया, तो 6% क्वार्टरली निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो क्वार्टरली निकालने के लिए डिवाइड बाय मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ पे 6/4 आ गया, या फिर आप लिख सकते हो 3/2%, ठीक है। तो आगे फर्दर इसमें हमारे पास टाइम पीरियड मतलब एन आ जाएगा, एन वैसे तो एक साल है, बट यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए, तो इंटू 4 करके यहाँ पर आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो आगे फर्दर फॉर्मूला लगाना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा मेरे पास 1 + r/100 उसकी पावर n-1, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। यहाँ पर नॉमिनल रेट लगेगा, नॉमिनल रेट हमारा ये एक क्वार्टर का इतना है, तो 3/2 है ना, तो यहाँ पे 200 हो गया, ठीक है। तो आगे फर्दर एन कितना है, 4 - 1, तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इतना आया, इसका पावर 4 - 1, ऐसे करके ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, सॉल्व करने के बाद इतना आ गया, इतने के बाद -1 किया, तो यहाँ पे 0.0614 आ गया। तो इंटू 100 करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है ना। तो इंटू 100 यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 100 किया था, तो यहाँ पे मैंने इंटू 100 कर दिया ताकि मेरे पास रेट परसेंट निकल किया जाए। तो यहाँ पे 6.14% मेरा निकल किया आया। यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे मेरा नॉमिनल रेट कितना है, 6% है, बट यहाँ पर 6.14% निकल के आया, तो इसका मतलब जो ज्यादा 0.14% निकल के आया, ये कंपाउंडेड की वजह से निकल के आया, ठीक है ना। क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली था, तो 4 बार कंपाउंड हुआ, तो उस कंपाउंडिंग की फिगर ये 0.14 है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि नॉमिनल रेट क्या है, तो 6% का नॉमिनल रेट है और 0.14 का कंपाउंडिंग रेट है, ठीक है ना। उस पर जो कंपाउंडिंग लगा, रेट पे रेट लगा, ठीक है, उसका है ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, आइदर 9.1% सेमी एनुअली और 9% मंथली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए हमारा रेट 9.1% / 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे था मंथली, मंथली के लिए डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे एन हमारी 2 आ गई, क्योंकि हाफ ईयरली था, तो 2 पॉइंट्स एक साल में, ठीक है। ये 12 मंथ्स के लिए, तो 12 आ गया हमारा। तो सॉल्व वैसे ही करना है, यहाँ पर भी इफेक्टिव रेट निकालेंगे,
और यहां पर भी हम इफेक्टिव रेट निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। जिसका इफेक्टिव रेट ज्यादा आएगा उसको हम प्रेफर करेंगे। जैसे कि यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर, कितना है 9.1%, ठीक है ना। तो परसेंट का डिवाइड बाय 200 आ गया, इसका पावर एन मतलब 2, ये आ गया। तो इधर हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना आ गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 12, नीचे 100 वैसे ही आ गया, ठीक है ना। उसका एन 12 माइनस 1, तो ये मैंने फॉर्म लिख ली, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास इतना इतना आ गया। तो यहां पर आगे कैलकुलेशन अगर मैं फर्दर करूं तो इतना मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना आया, 9.3%, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास आ गया, और इसको 100 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आया 9.3, तो यहां पर मेरे पास आया 9.38, ठीक है ना। तो इतना फर्क पड़ गया, तो इतना यहां पे मेरे पास फर्क पड़ गया, ठीक है ना। तो अब ये वाली आपको पता है परसेंटेज ज्यादा है इससे, क्योंकि ये कितनी है 9.30, ठीक है ना। ये है 9.38%, ठीक है। तो कितना भी ज्यादा है बट ये ज्यादा है, तो इसीलिए हम कहेंगे दैट द सेकंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर, ठीक है, कि हमारे लिए सेकेंड इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। तो यहां पर हमारे पास आगे क्वेश्चन है, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। नॉमिनल रेट ऑफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो यहां पर इफेक्टिव रेट निकालना नहीं है, इफेक्टिव रेट हमें दे रखा है, बट पूछा क्या है, नॉमिनल रेट, ठीक है। पहले क्या था, नॉमिनल रेट दिया होता था हमने, इफेक्टिव रेट निकालना होता था, बट यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, हमने नॉमिनल रेट निकालना है। तो इसका मतलब रिवर्स में आ गया था। तो यहां पर हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n-1, ठीक है ना। तो इस तरह ये फॉर्मूला लगता है। तो यहां पर हमें पता है कि इफेक्टिव रेट कितना है 10% का, यहां पर मैं 10% लिखूंगा, ठीक है। तो R हमारा, जैसे ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आपको पता है कि मैंने साल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो यहां पर मेरे पास N कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और R कितना होगा, जो भी अमाउंट होगी R की वो हमें नहीं पता, बट डिवाइड बाय मैं 2 से कर दूंगा, तो R का परसेंटेज करके 100 आ गया, और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 200 आ गया। तो यहां पर मेरे पास आएगा 1 प्लस आर अपॉन 200, और एन कितना 2, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इधर 10% वैसी रहेगा, ये वाला जो माइनस का 1 है ये इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, बाकी सारा इधर सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एलसीएम करूं तो मेरे पास बनेगा इतना, यहां पर बिल्कुल सेम। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो सॉल्व करने के बाद अब क्या हुआ कि इसका 1.1 बन गया, और 1.1 का मैंने क्या किया, उधर स्केयर में था, इधर 1/2 हो गया, ठीक है ना। इधर 1/2 हो गया तो मैंने रूट लिख दिया 1/1.1, ठीक है। उधर क्या था, 2 पावर में था, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में था, इसका मतलब 2/1 था। तो इधर लेके आऊंगा तो यहां पर मेरे पास 1.1 का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पर इसका स्केयर रूट कर दिया। स्केयर रूट आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। तो इधर मेरा रह गया 1 प्लस आर अपॉन 200, ठीक है। इधर स्केयर रूट करने के बाद मेरा आया 1.04a, आप इतना लिख देना, ठीक है। और इधर 1 प्लस आर अपॉन 200, तो मेरा r/200 आया, कि मैंने 1 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो
तो मेरे पास 0.048 आ गया, और आर का मतलब 0.048 इंटू 200, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे निकल के आया 9.76 पर एनम का इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैंने पर एनम निकाल लिया, बट यहां पर पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालने के लिए क्या करूंगा कि इस 9.76 को यहां पर मुझे पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 9.76/2, ठीक है। तो ये करके मेरा यहां पे आ गया 4.88%, ठीक है। तो इतना आ गया। तो यहां पे जो ये 4.88 है ये मेरा हाफ ईयरली आ गया, ठीक है, मतलब सेमी एनुअली आ गया, ये मेरा हाफ ईयरली आ गया। तो यही हमें निकालना था कि 4.88% हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। पहले हमने क्या किया, वो फॉर्मूला लगा के आर वगैरह पुट करके सारा कुछ, ठीक है, क्या निकाल लिया, आर हमारा 9.76 पर एनम आ गया, बाद में उसका हाफ कर दिया तो 4.88 आ गया। अगर वहां पे क्वार्टरली कहते तो सारा क्वार्टरली के अकॉर्डिंग कर देते, ठीक है ना, मंथली कहते तो सारा मंथली के अकॉर्डिंग कर देते, तो ये सम इजी था। तो इसमें हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हमारा कुछ पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन का आपका जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसा ही है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट किया वैसे ही पॉपुलेशन का है, आप खुद भी कर सकते हो। इसके बाद अगली वीडियोस हमारी आएंगी एनयूटी पे, तो एनयूटी का दो एक्सरसाइज है, ठीक है, ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों कवर करेंगे। एक में है फ्यूचर वैल्यू, दूसरे में है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो वो दोनों फाइंड आउट करना सीखेंगे, आसानी से फॉर्मूलेज लगाएंगे, फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है वैसे, पर दूसरा भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे वो लगा रहे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू में अपना ही करवाऊंगा, मेरा अपना फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैं उसी से करवाऊंगा, मैं उसी से सारे सम सॉल्व करूंगा, तो इनका फॉर्मूला मैं कम ही लगाऊंगा, ठीक है। तो वो वीडियोस वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।